सेंट्रल जोन लिमिट्स में रामूवालपेट पीएस में 15 सितंबर में के दिन एक हाउस ब्रेकिंग हुआ था। वो साई शरण अपार्टमेंट में सचिन चौधरी बोल के एक प्राइवेट एम्प्लॉई वहाँ रहते थे, वो जैन टेम्पल गया था सुबह 10 बजे। वापस आने के बाद देखे तो लॉक ब्रेकिंग हुआ था, घर में एक डिजिटल कैमरा, 50,000 रुपीज़ कैश एंड 4 तुरास ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट चोरी हुआ था। बाद में कंप्लेंट पे केस बनाया हमारा, तीन इन्वेस्टिगेशन के 3 टीम बनाए थे, उसमें एक्सटेंसिव सर्च कर रहे थे हम सीसीटीवी फुटेज के लिए। एक्सटेंसिव सर्च में दो गाड़ी यूज़ करते हुए अपार्टमेंट पे के पास आया था, उसमें एक होंडा एक्टिवा गाड़ी था, दूसरा एक टीवीएस जुपिटर गाड़ी था। टीवीएस जुपिटर गाड़ी हैज़ नो नंबर प्लेट नहीं था। होंडा एक्टिवा पे जो नंबर था वो ब्लड था, टीक नहीं दिखा रहा था। उसको हमारा साइबर लैब में वीडियो एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से उसको नंबर को डेवलप करके ओनर को पकड़ा गया। ओनर का नाम है रवि वंशी। ओनर को पूछे तो क्या बोला, उन्हें उसका लोकालिटी में रहने वाला शिवराज शर्मा को ये गाड़ी दिया बोल के बोले तो शिवराज शर्मा को पकड़े तो मालूम हुआ कि उसके पास उनका एक फ्रेंड डिम्पल आया, दिल्ली से आया था। डिम्पल के साथ अभी 3 अफेंडर्स हमारे पास, अभी 2 अफेंडर है। ये 2 अफेंडर का नाम है राजकुमार और दूसरा सचिन कुमार। ये 2 बड़े नटोरियस इंटरस्टेट रॉबरी गैंग है। ये 2 आदमी बहुत सारा प्रॉपर्टी एफेंस में था। राजकुमार तो 3 मर्डर्स में है। 1991 में एक अशोक बोल के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में एक आदमी को मर्डर करा था। 1992 में संजय बोल के एक बंदे को मर्डर करा था। 1993 में एक पिंकी बोल के एक यूथ को मर्डर करा था। ये 3 मर्डर्स में इन्वॉल्व होने के बाद 1993 में ही वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। राजकुमार वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1993 इन बाई दिल्ली पुलिस। बाद में लॉट ऑफ रॉबरी में, बैंक रॉबरी में भी शामिल था, उन्हें ज्वेलरी शॉप में था गुड़गांव में, गुरुदासपुर में और फगवारा पंजाब में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, बहुत सारा ऑफेंस है इसके खिलाफ। और 2008 में एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली में एक 1.5 करोड़ का एक बैंक रॉबरी में शामिल था। ये राजकुमार और सचिन कुमार ये दो ने रॉबरी में इन्वॉल्व हुआ था, 1.5 करोड़ लूट करा था। उसी केस में इन लोगों को 10 साल सजा मिला था। 2019 मई में बाहर आया था। बाहर आने के बाद डिम्पल के साथ उसका दोस्त है ना, हम यहाँ तो दिल्ली में तो नहीं चलेगा, ऑलरेडी नॉन क्रिमिनल्स है, उसके खिलाफ बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है। तो तिहार जेल में 10 साल बिताने के बाद अभी बाहर आने के बाद उसका डिम्पल के साथ इधर शिवराज शर्मा के घर आके ये हाउस ब्रेकिंग प्लान करा। एक्चुअली ये 9 तारीख को हैदराबाद आया था। 9 तारीख आके एक आए, 3 लोग आए गैंग में, 3 मेंबर है, राजकुमार, सचिन कुमार और शाहरुख बोल के। शाहरुख हमारा कस्टडी में नहीं है, वो अभी अपस्टैंडिंग है वो। सो राजकुमार और शाहरुख दोनों ने बाई ट्रेन में आया था, बिकॉज उसके साथ ये पिस्टल था। ये पिस्टल फ्लाइट में नॉट अलाउड है, परमिटेड नहीं है। सो ट्रेन में ये पिस्टल के साथ आया था और इसके पास 2 मैगजीन और ये 8 राउंड्स भी था। इसके साथ ट्रेन में आया था राजकुमार और शाहरुख ने। और ये हमारे पास सचिन कौन है, बात तो हाथ उठाओ। सचिन कुमार और उसका फ्रेंड शिवकुमार, शिवराज का फ्रेंड डिम्पल ने, शिवराज हैदराबाद में जो रहता पंजाबी उसका फ्रेंड है। सो इन तीनों को ने लाया था डिम्पल ने, ये 3 अफेंडर्स को हैदराबाद लाके शिवराज के पास परिचय कराया। तो हमारा दोस्त है, हैदराबाद घूमने आया है, साइड स्वीप आया बोले तो उन्हें 2 गाड़ी दिया। वो 2 गाड़ी में पूरा रेकी करके ये हाउस को नैरो डाउन करके इस पर HB करा। सो इसमें एक्चुअली देर आर रॉबरर्स, राजकुमार एंड सचिन और रॉबरर्स है, रॉबरर गैंग है, डकैती गैंग है। बट ये शाहरुख जो है वो लॉक ब्रेकिंग में एक्सपर्ट है, वो सेंट्रल लॉकिंग में ब्रेक करने का एक्सपर्ट है। सो उनको लाके ये HB करके चोरी करके गए। तो ये पूरा सामान लेके दिल्ली चले गए। फिर अगेन उसका नंबर मिला, उसका इमेज चेहरा मिला CCTV फुटेज में, उसका मोबाइल नंबर भी मिला था। वी आर ट्रैकिंग देम। एक्चुअली हम दिल्ली जाने वाला था, लकीली दे अगेन केम टू हैदराबाद दूसरा बार, बिकॉज नहीं पकड़ा गया, कोई उनका पीछे नहीं है बोल के उन्हें समझा, दिल्ली हैदराबाद आ गया फिर पकड़ा गया। अभी तो एक ही ऑफेंस है, देखेंगे क्या क्या, बिकॉज राजकुमार मैं तक तो जेल में था। अगर ये 5-6 साल में अगर दूसरा ऑफेंस अभी इंटरोगेट करना है, अभी जल्दी मिला, अभी वील टेक देम ऑन टू पुलिस कस्टडी, इंटरोगेशन करना है उसका, उसका दूसरा इन्वॉल्वमेंट है तो वील एक्सप्लोर दैट पॉसिबिलिटी।
सो इनके आफ्टर रिकवर इनसे क्या क्या सीज हुआ बोले तो एक कंट्री मेड पिस्टल, 8 राउंड्स ऑफ लाइव अम्यूनिशन और 50,000 रुपीज़ कैश स्टोरी चोरी हुआ चोरी करा था और एक ईयर टॉप ईयर रिंग और कुछ गोल्ड ज्वेलरी भी और दो व्हीकल इसको शिवराज से जो गाड़ी दी है ना एक होंडा एक्टिवा गाड़ी और एक टीवीएस जुपिटर गाड़ी दोनों भी सीज कर लिए. दे आर बीइंग रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी इज दैट दे वुड हैव कमिटेड दे आर कैरिंग वेपन. इमेजिन विक्टिम इज देयर एट द हाउस दे माइट डेफिनेटली यूज एंगेज वेपन एंड आर दे माइट यू माइट यूज द वेपन टू डेटर द विक्टिम सो दैट देयर रॉबरी कैन हैपन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. अगर वो कुछ हथगड़ी हुआ कुछ क्या बोलते हैं उसको कुछ रप्चर हुआ कुछ आर्गुमेंट हुआ कुछ झगड़ा हुआ तो दे माइट यूज अगेंस्ट द विक्टिम ऑल्सो. सो दे आर कैरिंग द वेपन दे कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. सो इट्स अ गुड कैच इट वॉज इट्स अ गुड कैच बाई हैदराबाद सिटी पुलिस एंड अवर इंस्पेक्टर राम गोपाल चंचल बाबू और हमारा ACP वेणुगोपाल DI काशी एंड हमारा SI प्रताप रेड्डी ही नीड्स ऑल एनकरेजमेंट. वेरी प्रोफेशनल वेरी मेथोडिकल ऐसे है बहुत सिस्टमैटिक ही विल नॉट लीव. एक कुछ क्लू मिले तो उसको नहीं छोड़ेगा उन्हें. वी डोंट हैव टू गाइड हिम ऑल्सो ही वर्क्स आउट ऑन हिज ओन. इतना प्रोफेशनल एंड कमिटेड ऐसे है हमको. वी आर लकी टू हैव हिम इन अवर टीम. थैंक यू.